दुनिया के दोस्तों, अपने अच्छे गुणों को बोली में मिठास, विनम्रता व दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करने की आदत। छोटे छोटे बालकों की बात की अनदेखी न कर, बल्कि वे उनको प्यार व आदर से सुनना। ईमानदारी व स्वच्छ छवि, दोस्तों से उपेक्षा न करना, उन्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरों की को सम्मान देना व दूसरों की कही बातों को ध्यान से सुनकर वह कम से कम बोलना। परिवार में सभी को साथ लेकर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी निभाना। अपने अपने सुख से कभी बड़ाई न करना व दूसरों की सच्ची प्रशंसा में कंजूसी होना। अगर किसी से कुछ लिया तो मांगने से पहले देने की आदत डालना। सज्जन मित्रों, समाज सेवा के लिए समय निकालना, लेन देन में खरा होना, अगर किसी से कुछ लिया तो मांगने से पहले देने की आदत डालना, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दीन दुखियों की मदद व समाज पर खर्च करना, हंसमुख चेहरे से आने वाले मिलने वालों का स्वागत करना, छोटी छोटी बातों में क्रोधित न होना व अनायास बिना मतलब की भैंसों से बचना, ईश्वर में विश्वास व स्वयं में विश्वास रखना, सदैव सकारात्मक सोचना व लोगों की भी सकारात्मक विचार में बदलने में सहयोग करना। अपना काम जो भी हो, परे मना योग व निष्ठा से करें। काम को टालने की आदत से बचाना। दूसरे के दुख में सदैव आगे बढ़कर सहायता करना। किसी से मिलने का समय दो तो सही समय पर उपस्थित होना। सादा खाना पान जीवन व नैतिक आचरण व मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन जीना। उसी काम को करने की हाँ करना जिसको आप कर सकते हैं, अन्यथा स्पष्ट शब्दों में ना कर देना। खुद को जो इतना हवादार समझ रखा है, तो हमको क्या रेत की दीवार समझ रखा है। हमने किरदार को कपड़ों की तरह बदला है और तुमने कपड़े को ही किरदार समझ रखा है। मित्रों, सज्जनों, प्रिय कामरेड, हमारे देश की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को 2020 की आम हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार द्वारा उठा गए कदम जो इन नीतियों से ऊपर हैं, मजदूरों के विशाल तबके पर हमला है। BSNL कर्मचारी इन हमलों से मुक्त नहीं हैं। बढ़े हुए दाम, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का बेलगाम, संवेश श्रम कानूनों का उल्लंघन, स्थायी प्रकृति के काम का ठेकों से मजदूरों की एक सम्मानजनक वतन से वंचित किया, पेंशन पर हमला, ट्रेड यूनियन अधिकार रोने वंचित करना आदि वे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके लेकर हड़ताल की जा रही है। ये देश हड़ताल ऐतिहासिक रूप से सफल होगी होनी चाहिए। मांग पत्र, मूल्य वृद्धि रोकने के लिए उपाय, रोजगार शिक्षा की उद्यमों को दी जा रही छूट, प्रोत्साहन पैकेज भी साथ जोड़ने के लिए ठोस कदम, सभी श्रम कानूनों के बिना किसी अपवाद या छूट की शक्ति को साथ लागू करना और श्रम कानूनों की उल्लंघन की सख्त उपाय, असंगति क्षेत्र मजदूरों के लिए बिना किसी रोक के आय मौखिक सामाजिक सुरक्षा। हरे हरे जय कृष्ण, राधे राधे। धर्म अध्यात्म जीवन निर्माण की शुरुआत कहाँ से करें, एक उभरता सवाल है आज के परिवेश में, और इसके लिए धर्म ग्रंथ जीवन यंत्रों के भरे पड़े हैं। प्रत्येक यंत्र दार्शनिक है, उसे पढ़कर ऐसा अनुभव होता है मानो जीवन का राजमार्ग प्राप्त होता हो गया। उस मार्ग पर चलना कठिन होता है, पर जो चलते हैं वे बड़े मधुर फल पाते हैं। कठोर नृत्य का एक मंत्र है, उचित जागृत प्राप्त वरुण बोधते, यानी उठो जागो और ऐसे श्रेष्ठ जनों के पास जाओ जो तुम्हारा परिचय प्रपत्र परमात्मा से करा सके। इस अर्थ में तीन बातें नियत हैं। पहली, तुम जो निद्रा में बेसुध पड़े हो उसका त्याग करो और उठकर बैठ जाओ। दूसरी, आंखें खोल दो अर्थात अपने विवेक को जागृत करो। तीसरी, चलो और इन उत्तम कोटि के पुरुषों के पास जाओ जो ईश्वर यानी जीवन का चरस लक्ष्य का बोध करा सके। जीवन विकास को राजपथ पर स्वर्ग का प्रलोभन और का भव्य काम नहीं करता, तो सत्य की तलाश में आस्था, निष्ठा, संकल्प और पुरुषार्थ ही जीवन की नई दिशा दे सकते हैं। सज्जनों,
सब्सक्राइबर प्रिय मित्रों।